हैव अ लवली डे टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स. मैं साक्षी शर्मा एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस. रीसेंट जो अभी हमारा वीक गया है उससे रिलेटेड फाइनेंशियल न्यूज़ जो है हमारी क्या क्या बनी थी उन्हीं को हम आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारी जो ये आज की वीडियो है वो आपके लिए कोई सा भी सेक्टर हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं. देख लेते हैं सबसे पहली जो न्यूज़ है वो क्या है. सबसे पहली न्यूज़ है हमारी यहाँ पर RBI ट्रांसफ़र रुपीज़ 57,120 करोड़ रुपीज़ सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2019-20. RBI ने जो साल है 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का जो सरप्लस है यानी कि अधिशेष जो है वो ट्रांसफ़र किया है. लास्ट ईयर जो था ये अमाउंट वो था 1.76 करोड़. तो लास्ट ईयर था 1,76,00,000 रुपए. तो उसी के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में अकाउंटिंग ईयर 2019-20 के लिए ये जो अमाउंट है वो कितनी है 57,128 करोड़ रुपए जो सरप्लस है वो ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें कि डिविडेंड के रूप में टोटल 1.23 यानी कि 1,23,00,000 रुपए और रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 52,637 करोड़ रुपए जो हैं वो एक्सेस प्रोविजन जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया अनाउंसेस $500 मिलियन असिस्टेंस फॉर मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स. भारत ने मालदीव में जो मेन कनेक्टिविटी परियोजना है उसके लिए $500 मिलियन की सहायता करने की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक बार पूरा हो जाने के बाद प्रोजेक्ट जो ये लैंडमार्क परियोजना है जो कि 4 द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी जो है उसको जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक प्रोसेस जो होगा उसका डेवलपमेंट होगा, जिससे रोजगार भी पैदा होगा और मेन रीज़न की अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ का तो उसको भी काफ़ी डेवलपमेंट उसका हो सकता है. यानी कि पुरुष क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शहरी विकास जो होगा उसको भी बढ़ावा मिलेगा. नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजेस ग्रांट्स वर्थ रुपीज 6,195 करोड़ रुपीज टू 14 स्टेट्स. केंद्र सरकार ने 14 जो राज्य हैं उनको 6,195 करोड़ रुपए का जो अनुदान की राशि है वो जारी की है. इसके बारे में अगर हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की जो सिफारिश थी वो की गई थी और सेंट्रल ने क्या किया था कि अप्रैल से जो स्टेट्स हैं उनको अनुदान की जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी इक्वली समान किस्तें जारी कर दी थी. तो केंद्र ने केरल को इसमें 1,276 करोड़ रुपए का जो एडवांस पेमेंट था वो जारी किया था. हिमाचल प्रदेश को 952 करोड़ रुपए का जारी किया था, पंजाब को 638 करोड़ रुपए का और आसाम को 631 करोड़ रुपए इसमें मिले थे. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट है PM टू लॉन्च फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ रुपीज़ 1,00,000 करोड़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑन संडे. PM नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो के तहत टोटल 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा जो है उसका वो शुभारंभ करेंगे, जिसमें कि क्या है फसल के बाद मैनेजमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स होते हैं, साथ ही साथ जैसे कि कोल्ड स्टोरेज और कलेक्शन सेंटर्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, इससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है उसको प्रेरित करने की उम्मीद भी इसमें लगाई जा रही है. नेक्स्ट इज एयरटेल अफ्रीका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पार्टनर टू एक्सपेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. यानी कि एयरटेल अफ्रीका
और वित्तीय समावेशन का डेवलपमेंट करने के लिए, विस्तार करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो पार्टनर बना है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो एयरटेल मनी की जो कस्टमर हैं, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट जो हैं उसमें एक्चुअल टाइम पर ऑनलाइन डिपॉजिट और विड्रॉल वो कर सकेंगे, जिसमें कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र जो होगी वो डायरेक्ट अपने वॉलेट में उसको रिसीव कर सकेंगे, और इसी के साथ साथ अदर जो सर्विस होंगी वो भी कस्टमर तक पहुंच उसकी बना पाएंगे। नेक्स्ट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर्स अप 0.09% एज निफ्टी गेन्स। यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो शेयर हैं उन्होंने फ्राइडे के जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ था, कारोबार जो हुआ था, उसमें 0.09% की उसमें बढ़त के साथ कारोबार किया। काउंटर पर अगर हम टोटल बात करें तो काउंटर पर लगभग 62,575 जो उनके शेयर्स थे, उन 62,575 शेयर उन्होंने इंक्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ ये जो काउंटर थे वो 272 रुपये पर खुला, और अब तक का जो इनका टोटल सत्र रहा है उसमें 273 रुपये 25 पैसे और 268 रुपये के अप लेवल और निम्न लेवल को भी इसमें उसने छू गया है, यहाँ तक कि वो पहुँच चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 26AS होटल बिल्स ऑफ ओवर ₹20,000 विल नाउ रिफ्लेक्ट इन योर ITR। आयकर फॉर्म जो है 26AS यानी कि TDS का जो फॉर्म होता है उसमें ₹20,000 से अधिक के अगर आपके होटल बिल हैं तो वो आपको ITR में आप दिखाएंगे। साथ ही साथ अन्य जो चेंजेस हैं उसमें क्या है कि सरकार ने ये जो लेवल है, दायरा जो है, उसको बढ़ाने के लिए और भी अदर जो लिमिटेशन होती हैं उनको कम करने का इसमें प्रपोजल दिया है, जिसमें कि आपके आगे वाइट और गुड परचेज, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इवन आपके जो होटल पेमेंट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस शेयर्स डाउन नियरली 1%। कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो शेयर हैं वो फ्राइडे में जो प्रोसेसिंग हुई थी उसमें 0.58% की उसमें गिरावट आई थी, यानी कि 1% की। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो कंपनी है उनके शेयरों ने अगर हम टोटल 52 वीक्स की बात करें तो 52 वीक्स में इसका जो अप लेवल था वो था 4,923.4 रुपीज़, और अगर लो की अगर हम बात करें तो जो लो लेवल था वो 1783 रुपये था, यानी कि अप लेवल 4,923 रुपये पर और लो लेवल जो था वो 1783 रुपये पर बंद किया गया। नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा टेक्स ओवर एज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन डायरेक्टर। परमिंदर चोपड़ा जो हैं वो PFC का उनका जो पद है उसको पदभार संभालने से पहले वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में एक कार्यकारी निर्देशक के रूप में अपना कार्य करती थी। उनकी जो टोटल उनका 32 ईयर्स यानी कि 32 वर्षों का जो उनका एक्सपीरियंस है उसके साथ वो फंड जुटाने, कॉरपोरेट अकाउंट, बैंकिंग और ट्रेजररी, साथ ही साथ स्ट्रेस एस्ट रिजोल्यूशन जैसे जो और भी अदर उनके फाइनेंस वर्क हैं उनको संभालने में भी वो माहिर हैं। नेक्स्ट है PM मोदी टू लॉन्च प्लेटफॉर्म टू ऑनर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। इसमें क्या है कि ईमानदार जो करदाता हैं उनको सम्मानित करने के लिए, मंच का शुभारंभ करने के लिए PM मोदी ने 1 फरवरी को इसमें इनॉग्रेशन किए गए जो 2020 और 21 का बजट था उसमें एक करदाता चार्टर की घोषणा की गई थी, जिसमें कि क्या था, जिसकी वैधानिक जो सिचुएशन है अभी एट प्रेजेंट टाइम की वो होने की उम्मीद है, जिसमें आयकर विभाग द्वारा जो लोग ईमानदार करदाता हैं उनको और उनके लिए जो समयबद्ध सेवाएं हैं उनको सुनिश्चित करके नागरिकों को और भी ज़्यादा सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर राइज 1.82% एज सेंसेक्स स्लाइड्स। यानी कि सेंसेक्स स्लाइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स
हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर जो है वो राइज हुआ है 1.82%। आपको मैं बता दूं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो शेयर है वो जो प्राइस है वो निफ्टी अगर स्ट्रांग होती है तो उसके कारण ही वो बढ़ता है। और हमारी आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है MFI collections recover by 70-75% after lifting of COVID-19 restriction. MFI collection यानी कि MFI माइक्रो फाइनेंस, COVID-19 का जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटने के बाद MFI का जो कलेक्शन है वो 70-75% तक उसमें हुआ है, क्योंकि MFI का जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है और पार्शियल क्रेडिट गारंटी की स्कीम है उसके थ्रू आउट लगभग 2,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इनको रेज्ड हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें कि हमने वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करी हैं। ऐसे ही और वीडियोस जो हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जिन लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही हमारी जो वीडियो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बी सेफ़।